अनीमिया, खून की कमी। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी होने का मतलब है खून में हीमोग्लोबिन के स्तर का कम हो जाना। इस बीमारी में रक्त की अनीमिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। रोगी की आँख के अंदर की झिल्ली या नाखून के अग्रभाग की लालिमा देखकर ही रोग का पता चल जाता है। लक्षण: जरा सी मेहनत या चलने पर थकावट महसूस होना, भूख में कमी व भोजन के प्रति अरुचि, नींद ना आना, सर दर्द बने रहना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, नीचे से ऊपर उठने पर चक्कर आना, रोग बढ़ने पर टखनों में सूजन आना, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना। कारण: शरीर में पोषण तत्व आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी, पेट में हुक वार्म या मलेरिया के कीटाणु होने पर खून की कमी होना, शरीर के किसी अंग जैसे यकृत, मज्जा के कार्य में व्यवधान पड़ने पर खून बनना कम हो जाता है। एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 या अधिक होना चाहिए। आहार ही उपचार। ऐसे रोगी के आहार में लोह तत्व आयरन की अधिकता होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते, पुदीना आदि में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित अनाज लगभग 60 ग्राम प्रतिदिन नाश्ते या भोजन के साथ लें। गुड़ में लोह तत्व पाया जाता है। खाने के बाद मिठाई की जगह गुड़ खाएं। रात्रि में भीगी हुई अंजीर, किशमिश खाएं। आयरन पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ के साथ साइट्रिक एसिड युक्त पदार्थ नींबू, आंवला व संतरे का प्रयोग जरूर करें। इससे शरीर में आयरन का अवशोषण अच्छी तरह होता है। लोहे की कढ़ाई में खाद्य पदार्थ पकाने से उसमें आयरन की प्रतिशत बढ़ जाती है। तिल में लोह तत्व अधिक होता है, अतः गुड़ व तिल मिलाकर लड्डू बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। आशा है आप सभी इसका उपयोग कर इससे स्वस्थ रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।